हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉक एंड स्लेट। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आइडेंटिटीज के फर्स्ट एक्सरसाइज को किया था और हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को जाना था। आज हम करेंगे 12b। तो 12b को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला को जान लेते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में मुझे कुछ फॉर्मूला को लर्न करना है, तो जो मेन फॉर्मूला है उसे मैं बता रही हूँ, बाकी जितने भी वो आपके उसी से डेराइव हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा फॉर्मूला को लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो मुझे ध्यान में रखना है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए बी मीन्स टू इंटू ए इंटू बी। सेकेंड आता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दो टर्म आपके माइनस में और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। क्लियर? नेक्स्ट आता है अगर मेरा तीन टर्म हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? तो ये आपका होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू इंटू बी इंटू सी प्लस टू इंटू सी इंटू ए। और अब इससे आपका बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव होगा। सपोज ये तो मैंने तीनों टर्म प्लस में ले लिया, अगर मुझे इसमें से कोई एक माइनस में दे दे, कोई दो माइनस में दे दे, तब मैं क्या करूंगी? तो इतना सारा फॉर्मूला मुझे लर्न करने का दरकार नहीं पड़ेगा, इतना सारा फॉर्मूला आपको लर्न करने का जरूरत नहीं होगा। आप इसी फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लोगे। सपोज आपको गिवन है ए प्लस बी माइनस सी, तो अब मैं माइनस वाला फॉर्मूला लर्न नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी? फर्स्ट में तो आपका सिंपल वैसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा आपका प्लस टू ए बी, तो आप साइन के साथ लिखना ए बी बी सी, सी के समय आपका सी माइनस में है तो वहां पे आपका माइनस चला आएगा, और यहाँ पे ए सी, ए सी के टाइम भी आपका सी माइनस में तो वहां पे आपका माइनस चला आ जाएगा। तो जब मैं एक्सरसाइज करूंगी, तो मैं जब सम करूंगी, तो आपको वो इजिली एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे करना है। तो बस आप सिर्फ एक मेन फॉर्मूला यही प्लस वाला लर्न रखो और बाकी को हम इसी से डेराइव करेंगे। और लास्ट है फिर, और दो है, एक आपका क्यूब का है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है मेरा ए क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे हम क्या करते हैं, इसका हम एक और फॉर्म भी लिखते हैं। आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साथ लिखो। अब इन दोनों में देखो, थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हम थ्री ए बी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि थ्री ए और बी दोनों में है, और ये बचेगा मेरे यहाँ पे ए प्लस बी। नेक्स्ट आता है मेरा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है आपका ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, इसे भी अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में हम माइनस थ्री ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस वाला था ये प्लस बन जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस वाला था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो आपके फाइव फॉर्मूला है, इनको आप ध्यान में रखो। प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। फिर भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्या गिवन है मुझे? फर्स्ट में लिखा एक्सपैंड, मींस फॉर्मूले में ब्रेक करना है मुझे। तो नंबर वन में भी आपका बहुत सारा सम है, तो मैं कुछ कुछ कराऊंगी, क्योंकि सारे आपके सेम इसी मेथड से बनेंगे। तो अगर आप सिर्फ मेथड सीख जाओगे तो फिर आपको कोई भी सम दे आप इजिली कर लोगे। तो मैं हर एक टाइप का एक एक बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट आपका नॉर्मल है ए माइनस, मैंने नंबर टू लिया है, नंबर वन भी आपका सेम बनेगा। ये है आपका a माइनस टू बी, मतलब मुझे यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर वन में प्लस था तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना था। ये आपका वन का टू। a माइनस बी का स्क्वायर क्या सीखा था हमने? a स्क्वायर, a के जगह आपका ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह है मेरा 2b, मींस 2b का स्क्वायर माइनस 2a, और b, b के जगह क्या है मेरा 2b। ये ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू टू जब फोर ए बी। सिंपल, जैसे मैंने नंबर टू किया वैसे ही आप नंबर वन करना। अब मैं एक
फ्रैक्शन वाला बताती, फ्रैक्शन में भी दो है, एक प्लस में है एक माइनस में, सॉरी फ्रैक्शन में आपका टोटल फोर सम है, ठीक है, तो मैं दोनों का एक एक बता देती हूँ, एक प्लस का एक माइनस का। तो अब देखो नंबर वन का आपका नंबर थ्री, थ्री में क्या बोल रहा है, ए प्लस वन बाय टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या सीखा था हमने, वैसे करो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी के जगह है आपका ये प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, वन का स्क्वायर वन और टू बी का स्क्वायर आएगा आपका फोर, टू ए का स्क्वायर आएगा आपका फोर ए स्क्वायर, प्लस ये टू टू कैंसिल और ए कैंसिल, ये बचेगा आपका खाली वन, क्लियर। ये क्या था हमने थ्री ना, अब देखो मैं बताती हूं नंबर सिक्स, सिक्स भी तो प्लस का है, सॉरी नंबर सेवन, वो भी फ्रैक्शन का, ये एक साथ ही देख लो, टू एक्स माइनस वन बाय टू एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या सीखा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए स्क्वायर यानी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाय टू एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। अब देखो ये मेरा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्लियर। अब मैं एक तीन वाला करती हूं, नंबर तीन में देखो आपका तीन नंबर तीन बोल रही हूँ सॉरी नंबर फाइव में, वन का नंबर फाइव, ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो मैंने आपको सिर्फ क्या बोला कि आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए ये बी ए टू ए बी, फिर क्या सीखा था हमने, दोनों प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सीखा था हमने प्लस टू बी सी, तो वही करेंगे हम प्लस टू बी के जगह बी और सी के जगह आपका माइनस सी, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस सी लिख देना। फिर था प्लस टू सी ए, तो प्लस टू सी के जगह है माइनस सी, तो ब्रैकेट में माइनस सी और ए, यानी ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस माइनस माइनस टू बी सी प्लस माइनस माइनस टू सी ए, क्लियर। अब देखो नंबर टू, बच्चे जितने भी सम्स है वो आप होमवर्क में ट्राई करना, और किसी से कोई सम नहीं बनेगा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नंबर टू में बोला फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर निकालना है, मींस जैसा हमने नंबर वन किया था वैसे ही करना है। तो इसके मैं कुछ कुछ सम्स ही करा रही हूँ, क्योंकि अभी नंबर वन में हमने जो बताया था, मैंने जो कंसेप्ट बताया था उसी पे सारा बनेगा, तो मैं कराती हूँ। सबसे पहले टू का सेवन, देखो क्या है, टू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, मुझे स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर लगा दो। अब हमने सीखा था ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्या सीखा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सीखा था हमने, ए का स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस टू ए बी, यानी टू ए के जगह आपका टू एक्स और बी के जगह आपका वन बाय एक्स, प्लस टू बी सी यानी टू
बी की जगह है 1 बाय एक्स और सी की जगह है 1 प्लस, ये मैं नीचे लिख दे रही हूँ, प्लस 2 सी ए, यानी 2 सी की जगह है मेरा 1 और ए की जगह है 2x। बस आप सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो x और x मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस 2 बाय एक्स और यहाँ पे आएगा आपका 2 टू ज 4x। अब ये मैं ये मेरा सॉल्व हो जाएगा 4 और 1, तो ये आप ऐसे ही लिखो 4x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 4x। क्लियर? एक मैं नंबर 6 बता रही हूँ, उसमें 2 माइनस है, तो नंबर 6 मैं लास्ट बता रही हूँ, बाकी सारे सम आपके वैसे ही या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बनेगा या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तीन में से आप ब्रेक करना आपका बन जाएगा। तो देखो नंबर 6, 3a माइनस 2b माइनस 5c, इसका हमें स्क्वायर करना है। सेम वही लॉजिक, a का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। फिर हमने क्या सीखा था, प्लस 2ab, बस आप सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो, प्लस 2ab, तो प्लस की जगह प्लस रखो 2a, a है 3a और b साइन के साथ हमें लिखना है, b क्या है माइनस 2b प्लस 2bc, 2 b के जगह है आपका माइनस 2b और c के जगह है मेरा माइनस 5c प्लस 2ca, c के जगह है माइनस 5c और a की जगह है मेरा 3a। बस अब मल्टीप्लाई करना है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, ए बी प्लस माइनस 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 प्लस, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 20 बी सी। फिर यहां देखो प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ए इंटू सी हो गया मेरा ए सी। क्लियर? अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में आपका क्या है, इवेल्युएट करना है आपको a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करके इसे इवेल्युएट करना है। आपको कुछ कांस्टेंट नंबर गिवन है, 208 का होल स्क्वायर। तो देखो आप प्लस करके भी बना सकते हो, माइनस करके भी बना सकते हो, तो आप हमेशा इजी वे चूज करोगे। कहीं पे भी मान लो आपको जाना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा आसान रास्ता है जो उसे ही अपनाते हैं। तो आपको क्या आसान लग रहा है, अगर इसे मैं प्लस में भी लिख सकती हूँ माइनस में भी लिख सकती हूँ, जैसे मैं इसे लिख सकती हूँ 210 माइनस 2 और प्लस में लिखना चाहूँ तो 200 प्लस 8। तो अगर मैं इस वे को लूँ 200 प्लस 8 तो ये मेरा इजी होगा, क्योंकि 200 का स्क्वायर निकालने में मुझे आसानी होगी। बट अगर आप 210 का स्क्वायर निकालने जाओगे तो उसमें आपको डिफिकल्टीज आएगी। तो हमेशा आपको इजी वे चूज करना है, ठीक है? तो इसकी जगह मैं लिखूंगी 200 प्लस 8, बस ये हो गया मेरा a, ये हो गया b। क्या फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 40,000 प्लस b का स्क्वायर यानी 64, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 200 इंटू 8। अब इसे सॉल्व करो, 40,000 प्लस 64 प्लस 2 टू जा 4, 4 8 जा 32। बस अब मुझे सबको प्लस करना है तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 2 6 4। क्लियर? ये सारा आपका ऐसे ही बनेगा, प्लस में अगर आपको आसान लगे तो आप प्लस करना, माइनस में ब्रेक करना आसान हो तो माइनस करना। तो इसके मैं एक दो सम करा दे रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। नंबर 5 देखो, 9.4 का स्क्वायर।
तो 9.4 का स्क्वायर है, तो आप इसे दोनों वे से कर सकते हो, 10 में से 0.6 माइनस भी कर सकते हो और 9 में 0.4 प्लस भी कर सकते हो, दोनों ही इजी है। चलो मैं 10 वाला ही करती हूँ, 10 में से मुझे माइनस करना है 0.6, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36 माइनस 2ab, ठीक है ऐसे लिखो, फिर पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाएगा, 100 प्लस 0.36 माइनस हो गया आपका 10 टू ज 20, 20 इंटू 6 120, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर ऐड कर लेना, तो 100 में से अगर आपका 12 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 88 प्लस 0.36, तो आ जाएगा आपका 88.36, क्लियर। तो बचा जितना भी है सबको आपको वैसे ही ब्रेक करना है प्लस में या फिर माइनस में। अब देखो नंबर 4, तो मैं बचे हुए जितने भी सम्स है वो आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, आप होमवर्क में ट्राई करना। नंबर 4 है एक्सपैंड, इसमें मुझे क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने सीखा था, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। तो मैं दोनों के एक एक ही बता देती हूँ, एक प्लस का एक माइनस का। तो देखो है ए माइनस नंबर 2, 4 का नंबर 2 ए माइनस 2b का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या सीखा था हमने क्यूब वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3 सॉरी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3a का स्क्वायर और b वैसे ही लिखना है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह a b का स्क्वायर, यानी 2b का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस b क्यूब, तो 2b का क्यूब करना 2 का क्यूब 8 और b का क्यूब b क्यूब, बस हो गया आपका a क्यूब माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 ए स्क्वायर बी प्लस 3 4 12 ए बी स्क्वायर माइनस 8b क्यूब, क्लियर। ये किया हमने एक माइनस वाला, एक मैं प्लस वाला बता दे रही हूँ, आपका यहीं पे हो जाएगा। तो देखो नंबर 4, देखो क्या है, x प्लस 5y का होल क्यूब, ठीक है। तो वैसे प्लस वाला फॉर्मूला लिखना है मुझे, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर और b के जगह 5y, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह x b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी 5 का क्यूब होगा आपका 125 और y क्यूब, x क्यूब प्लस 5 3 15 x स्क्वायर y प्लस 25 × 3 75 x y स्क्वायर प्लस 125 y क्यूब, क्लियर। तो बचा हुआ जितना भी है वो आपको होमवर्क में करना, इसमें दो जो है मेरे वो फ्रैक्शन के सम्स है, तो मैं 5 नंबर में उसे डील कर दूंगी, क्योंकि 5 में भी आपको सेम बोला है फाइंड द क्यूब, ठीक है। जैसा हमने नंबर 4 किया, नंबर 5 में भी मुझे वही करना है, क्यूब निकालना है। तो मैं सबको नहीं बता रही हूँ, मैं इसके सिर्फ दो सम्स लास्ट के दो 5 और 6 को बता रही हूँ, वो आपका फ्रैक्शन में है, सेम आपका वैसे ही बनेगा। फिर भी मैं कुछ सम्स करा दी हूँ, वरना आप बोलोगे कि सिर्फ आपने होमवर्क दे दिया, कुछ ज़्यादा ही होमवर्क मुझे दे दिया। तो देखो 5 का 5, इसे भी मुझे क्या बोला है कि क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, क्या था a क्यूब, यानी 2x का क्यूब होगा आपका 8x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब। आप वो वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, आप वो वाला भी लिख सकते हो, और या ओवरऑल जो आप करते थे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं अभी वही वाला लिख दे रही हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b,
यानी 2x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये देखो x और x मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 8x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू 2x प्लस 1 बाय एक्स। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर 6 से दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। और एक मैं माइनस का बता देती हूँ, नंबर 6 माइनस में क्या है क्वेश्चन मेरा, x माइनस 1 बाय 2। जैसा हमने प्लस वाला किया था सेम वैसा ही माइनस वाला है, क्या होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3x का स्क्वायर और b की जगह 1 बाय 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab यानी 1 बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 बाय 4 माइनस b क्यूब 1 बाय 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 1 बाय 8 x क्यूब माइनस, अब ये तो आपका कैंसिल होगा नहीं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x बाय 4 माइनस 1 बाय 8। दिस इज द आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। जो जो सम्स मैंने आपके स्किप किए हैं, होमवर्क में दिए हैं, तो वो आप होमवर्क में जरूर ट्राई करना, और किसी से कोई भी सम ना बने तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पोस्ट करना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 12C। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और जो भी होमवर्क है उसे प्रैक्टिस करना। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।